सबसे पहले आपको अजीम प्रेम जी फाउंडेशन लिखना है, उसके बाद में आपको ऑफिशियल जो साइट है वहाँ पर आ जाना है। आपके सामने इस टाइप का साइट का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देखें तो इस जगह आकर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, किसको स्कॉलरशिप दी जाती है, सब कुछ यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी। ये राजस्थान की कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में ही है तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। इसमें 10th 12th जो भी लोकल स्कूल है उससे पास हुआ होना चाहिए और जो आगे पढ़ाई भी कर रहा हो रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हो। तो इसका जो आवेदन है वो आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है एप्लीकेशन ओपन वाले पर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका एक चेकबॉक्स आ जाएगा जिस पर आपको कुछ जानकारी भरनी होगी। सबसे पहले आप 10th आपने जो राजकीय विद्यालय है वहाँ से की है नहीं, ये सारी चीज़ें आपको 10th 12th शासकीय जो विद्यालय है वहाँ से स्कूल की है या नहीं, ये सारा यस नो आपको अपने हिसाब से कर लेना है जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे, आप एलिजिबल हैं तो उसके बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर दर्ज करने होंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करके आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP नंबर प्राप्त होगा, वो OTP यहाँ पर दर्ज करके OTP को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आप देखें तो सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर वेरीफाई कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आपको अपना जो नाम है वो लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, अपना जो आधार कार्ड है उसके जो नंबर है आधार कार्ड के वो आपको लिखने हैं। आपको कोई भी एक पासवर्ड बनाने हैं जो आप वापस से जब इसमें लॉगिन करेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो इसमें मिक्स करके एक पासवर्ड बनाने जिसमें अपर केस लोअर केस दोनों जो लेटर हैं वो आए, @ ऐसा सिम्बॉल आए और सब कुछ मिलाकर एक पासवर्ड बना लेने, रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह सक्सेसफुल हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर आपको एक ID देखने को मिल जाएगी और पासवर्ड आपने जो बनाया है उसी पासवर्ड का आप प्रयोग करके अपना जो लॉगिन है वो आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो ID है वो हमें मिल चुकी है, मोबाइल पर आपको SMS से मिल जाएगी। बाकी आगे के आपके नाम के 4 लेटर और आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट इसकी ID होती है तो ये हम लगा देंगे यहाँ पर, और उसके बाद में हमने जो पासवर्ड बनाया वो यहाँ पर दर्ज करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखें तो आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, तो प्रोफाइल में आपको फ़ोटो अपलोड करना है, नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है, आपको जो रेड कलर में है वो सारे भरने अनिवार्य है, अपने आधार कार्ड का फ्रंट बैक PDF बनाकर अपलोड करना है। उसके बाद में आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको फिलअप करना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट और एड्रेस लिखकर और पिन कोड लिखकर। तो ये सारा जब आप करेंगे तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर आएंगे, यहाँ पर आपको किसी ने रेफ़र किया है तो यस अन्यथा नो पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको 10th की डिटेल डालनी है, 12th की। तो सबसे पहले आपको अपना कौन से साल पास किया, मोड ऑफ एजुकेशन रेगुलर थे। उसके बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, स्टेट के बाद, उसके बाद ब्लॉक, पिन कोड, उसके बाद अपने स्कूल का नाम, कितने % आए, और उसके बाद में मार्कशीट अपलोड कर देनी। ये सारी जानकारी आपको 12th की इसमें अपलोड करनी है। उसके बाद में 10th का भी आपको as it is सेम चीज़ करनी है। इसमें आपको अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट सबको सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है, अपने % लिखने हैं, स्कूल का नाम चेंज करना और 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। इसके बाद में आप देखें 8th की ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप आगे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ पर नॉर्मल सी अपनी आपकी फैमिली की डिटेल्स भरनी है, तो आप सिंगल पेरेंट्स है, बहुत दोनों मम्मी पापा जिंदा है नहीं ये भरना है, मदर नेम फादर नेम भरना है, एनुअल इनकम लिखनी है, आप कौन सा धर्म है वो लिखना है, उसके बाद में आप ST SC जनरल किससे बिलोंग करते वो लिखना है, अगर आप दूसरी किसी कास्ट से बिलोंग करते जनरल के सिवा तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर लेना है। उसके साथ में फीस रसीद भी अपलोड करनी है। यहाँ पर आप देखें अभी आप जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उसका स्टेट डिस्ट्रिक्ट कौन से इंस्टीट्यूट है, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। रेगुलर है, सेमेस्टर कौन सा है, कब आपने एडमिशन लिया है, और आपका जो प्रूफ ऑफ एडमिशन है जिसमें आप अपने एडमिशन का प्रूफ डाल सकते हैं और अपने जो फीस रसीद है वो डाल सकते हैं। इसके बाद में इस चेकबॉक्स को राइट करके एग्री एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। उससे पहले आप चाहें तो प्रीव्यू भी देख सकते हैं ताकि आपने कोई भरने में मिस्टेक तो नहीं की है, वो आप पहले चेक कर लें। उसके बाद में सबसे सही लगे तो आई एग्री एंड सबमिट पर क्लिक करके आपका जो आवेदन है वो सबमिट हो जाएगा, तो ये आसानी से आप भी भर सकते हैं।